ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अवध्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदेतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीयै तुरियो कथितो यदावरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो। कंथस्तु राजन् नवमो यदियो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितुं द्वादशैव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में अध्याय 15वां तदनंतर 26वां श्लोक
26वें श्लोक का पाठ करेंगे। तस्मात् स्वस्थेन मनसा बिमृश्य गतिमात्मनः द्वैते द्वार्थ विश्रम्भम् त्यजोपशमं मवाविश त्यजोपशमं माविश। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तस्मात् अतः स्वस्थेन स्वस्थ सतर्क मनसा मन से विमर्श्य विचार करके गतिम वास्तविक स्थिति आत्मनः अपनी द्वैते द्वैत में ध्रुवा स्थाई अर्थ वस्तु विश्रम्भ विश्रम्भम विश्वास त्यज छोड़ दो उपशमम शांतिपूर्ण स्थिति आवेश ग्रहण करो। अतः हे चित्रकेतु आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो शरीर मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है शाश्वत है। क्या है इस तरह तुम्हें शांति प्राप्ति हो सकती है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अतः हे चित्रकेतु आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो शरीर मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहां से आए हो यह शरीर छोड़कर कहां जाओगे और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण का जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है ये शायद आश्वासत है ऐसा होना चाहिए हाँ अशाश्वत है अच्छा ठीक है उसका शाश्वत है ठीक। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका सीधा श्री कृष्ण की सेवा से संबंध नहीं है
शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य, वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। वे सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि यह शरीर नहीं वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो जाता है। चूँकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते द्वार्थ विश्रम्भम तजोपशमम आवेशत। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों के श्री चरणारविंद में मैं नमन करता हूँ कि आप मुझे कृपा एवं आशीर्वाद दें जिससे श्रीमद् भागवतम का सही विचार विमर्श प्रस्तुत हो सके। ये श्लोक श्री अंगिरा मुनि एवं श्री नारद मुनि के द्वारा जो चित्रकेतु को उपदेश दिए जा रहे हैं उसका अंतिम श्लोक है, उपसंहार है एक प्रकार से। उपसंहार में शैली ये होती है कि जो बात हमने कही है शुरू से लेकर आखिरी तक वो सारी की सारी उसमें निहित होती है। जैसे इसके पूर्व श्लोक में उन्होंने कहा कि तुम अयम ही देहनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मका, तो ये जो देह है मनुष्य देह है या कोई भी प्राणी की देह है वो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक होती है और इसी के कारण देहिना वह जीव विविध क्लेश संताप कृत आहृता, तो विभिन्न विभिन्न क्लेश उसको प्राप्त होते हैं। इस पर आपने कल विचार विमर्श सुना होगा। इसके पहले भी इसी प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि तुम आसक्तियों का त्याग करो, संतान स्त्री संपत्ति जैसी वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य हैं, दृश्यमान अभिमार्थ बिना अर्थेन ना दृश्यन्ते मनोभवा। तो बोल रहे हैं कि कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, सारी चीज़ दिखती भी नहीं है और सारी चीज़ कुछ चीज़ें दिख भी जाती हैं। तो जो भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो मनोरथ के कारण है, क्योंकि हम जो मन से कल्पना करते हैं वही दिखता है। अगर किसी वस्तु में किसी इंद्री में मन का अभिनिवेश नहीं है तो वो इंद्री हमें वो फल प्राप्त नहीं करा पाएगी। आँख तभी देखती है जब उसके साथ मन का अभिनिवेश होता है, कर्ण इंद्रिया तभी सुनती है जब मन का अभिनिवेश होता है। जैसे हमारा मन नहीं लगता है, कोई बोल भी दे तो हम फिर से बोलते हैं, क्या बोले फिर से बोलिए। तो ये इसका मतलब है कि मन का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव है और मन का ही पूरा 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 रोल है कि आपको वो वस्तु विषय वस्तु समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो इसी मन की गति के ऊपर आज पूरा का पूरा श्लोक है, क्योंकि उपसंहार है। तो पूरा वास्तव में जो पूरी वैदिक पद्धति है या पूरा हमारा जो शास्त्र है या गौड़ी दर्शन है, ये वास्तव में मन को ही एक ट्रेनिंग देने के लिए है। क्योंकि शरीर की ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग मन की होती है। शरीर से तो भले हम कुछ भी करते रहें, हाँ भक्ति मार्ग में ये भी है कि अगर केवल भौतिक स्तर पर भी अगर कोई जड़ इंद्रियों से कार्य करे तो भी उसको उपलब्धि हो जाती है, तो भी उसकी सिद्धि हो सकती है और ऐसा देखने में भी आया है। लेकिन फिर भी अगर मन अधिक अभिनिवेश है तो उसका फल कुछ अलग ही हो सकता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात् स्वस्थेन मनसा,
केवल तस्मात मनसा नहीं कहा, एक विशेषण प्रयुक्त किया यहाँ पर स्वस्थेन, अर्थात स्वस्थ एवं सतर्क होकर, सावधानेन अवधानेन। तो जब तक व्यक्ति पूर्ण सावधानी से, पूर्ण स्वस्थ मन से अपने मन को नियंत्रण नहीं करेगा, अपने मन की गति को नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि आत्मनः गति विमिश्य, आत्मनः अर्थात मन, आत्मन शब्द से हमारे वैदिक वाङ्मय स्वरूप में सारे के सारे अर्थ अध्याहार कर लिए जाते हैं। आत्मा शब्द से मन भी आता है, बुद्धि भी ली जा सकती है, आत्मा से आत्मा भी कहा जा सकता है, आत्मा से परमात्मा भी कहा जा सकता है, और आत्मा से शरीर को भी कह दिया जाता है कई बार। तो जहाँ जैसा अर्थ है वहाँ वैसा अर्थ आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वास्तव में मन को ही आत्मा के रूप में कहा जा रहा है, मन और बुद्धि हम समझ सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मनः गति विमृश्य, कि आप अपनी आत्मा की, अपनी मन की, अपनी बुद्धि की गति को विमृश्य, विमृश्य अर्थात आप विचार करिए कि यह है क्या, हमारा जो मन है कहाँ जा रहा है। जैसे बहुत सारे भजन हैं, एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, मना शिक्षा जिसका नाम है, उसमें वो केवल अपने मन को ही निर्देश कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के अनेक अनेक पद हैं जिनमें वो केवल अपने मन को ही शिक्षा देते हुए पदों में गायन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भजहु रे मन श्री नंदन नंदन। तो वहाँ पे ना तो जीवा भज रही है, ना हमारा शरीर भज रहा है, मन भज रहा है। तो मन का भगवान में लगना बहुत आवश्यक है। जब हम जप कर रहे हैं तो भी, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं सभी कह रहे हैं कि आपका जो शब्द ध्वनि है उस पर आपका मन लगना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप की शैली हमें सर्वप्रथम सिखाई जाती है, जब हम कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ स्तर पर होते हैं, एकदम नूतन भक्त होते हैं, तो कहा जाता है कि आप कोई लीला चिंतन करने का प्रयास मत करिए, आप केवल जो हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि है उस पर अपना मन केंद्रित करिए, यही हमें शिक्षा दी जाती है। तो वास्तव में ये सही है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, जो वही स्वरूप इस कृष्ण नाम में सन्निमित है, वही कृष्ण का स्वरूप इस कृष्ण नाम में है, हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो जब अगर हम, ठीक है, हम भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं कर पा रहे, जो त्रिभंग ललित स्वरूप है उसका स्वरूप का चिंतन नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, कोई बात नहीं, भगवान ने इतनी हमें सुविधा दे रखी है कि आप उनके ही नाम का, उनके ही नाम पर आप केंद्रित कर सकते हैं और वही आनंद आपको प्राप्त होगा। जैसे हम कभी एकदम एकनिष्ठ होकर अगर भगवान के नाम पर मन लगाएं तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो विषयों में अनुभूत, विषयों में आवेशित होकर हमें कोई वैसी अनुभूति नहीं होती, उसमें तो दुखी होता है। इसलिए यहाँ पे आगे बोल दिया कि पहले क्या करें, मन की गति को आप देखें कि कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर ठीक जगह जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ से फिर उसको लौटाइए। तो इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा देते हुए ऐसी ही कुछ बातें कह रहे हैं, कह रहे हैं, गुरु गोष्ठे गोष्ठा लय सुजने भू सुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजन वयु द्वंद सरणे सदादंभम हेत्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांता भीता चटुभिया चे धृतपदः। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अये स्वांता भीता, हे मेरे स्वांत भ्राता, हे स्वांत भ्राता,
चटुभी आचे धृतपदा, मैं तुम्हारे पकड़ कर, तुम्हारे चरण पकड़ कर तुमसे याचना कर रहा हूँ। क्या याचना कर रहा हूँ? कि तुम सदा दृम्बम हृत्वा, पहली शिक्षा है, आचार्य सिखा रहे हैं कि मन को कैसे भक्ति में और भक्ति के अनेक सोपानों में, अनेक जो भक्ति के विषय हैं उनमें कैसे लगाना है। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि सदा सर्वदा दम्भम हित्वा रतिम अतितराम कुरु, कि दम्भ को त्याग कर तब इन वस्तुओं में रति करो। किन किन वस्तुओं में? गुरु, गुरु में, गोष्ठे अर्थात इस ब्रज में, गोष्ठालीसु, गोष्ठालीसु यानी ब्रज जनों में, विशेषकर जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनमें, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सिखाई गई है कि मंजरी भाव आपन्न भक्ति है, वो ब्रज वधुओं के अनुगत होकर भक्ति सीखना है हमें। तो इसलिए यहाँ पे बोला है गोष्ठा अलीसु, अली अर्थात अली ये गोपियों के लिए संबंध है, अलीसु यानी कि बहुवचन प्रयोग है। तो गुरु गोष्ठे गोष्ठालीसु, सुजने, सुजने अर्थात वैष्णव गणे, वैष्णव गणों में, तो मन को कहाँ कहाँ लगना है उसके विषय निर्धारित किए जा रहे हैं कि यहाँ यहाँ तुम घूम सकते हो, अपने गुरु के ऊपर चिंतन कर सकते हो, इस ब्रज जन के ऊपर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, ब्रज की लताओं पताओं, ब्रज में जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी कुंड हैं, जो भी गोवर्धन है, जो धाम है, रासस्थली है, जो भी है उनमें आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, उनमें अपना मन लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सुजने, जो वैष्णवगण यहाँ पर लग रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। भूसुर गणे, भूसुर सुर अर्थात होता है देवता, भू अर्थात ये पृथ्वी मंडल, पृथ्वी मंडल के देवता अर्थात ब्राह्मण गण, जो वास्तविक ब्राह्मण हैं, जो वेदों का, वैष्णव सदाचारों का सही रूप से पालन करते हैं उनका। स्वामंत्रे, स्वामंत्रे अर्थात जो मंत्र हमारे संप्रदाय में जो द्वितीय दीक्षा के उपरांत जो मंत्र दिया जाता है उसकी बात है ये, अर्थात जो ब्राह्मण गायत्री के लिए जपने के लिए जो मंत्र दिया जाता है गायत्री मंत्र, उस मंत्र की बात हो रही है। तो उस मंत्र में आप अपना मन लगाइए। फिर बोल रहे हैं श्री नामनी, श्री नामनी अर्थात भगवत नामनी, भगवान के नामों में अपना मन लगाइए। और किस में लगाइए? बोल रहे हैं अंतो गत्वा ब्रज नव युव द्वंद सरणे, ब्रज के जो दो नव किशोर युगल अर्थात राधा कृष्ण, तो श्री राधा श्याम सुंदर के आप शरणागत होकर उनमें मन लगाइए। कैसे लगाइए? उसका पहले ही बता दिया कि सदा दम्भम हित्वा। तो एक बार थोड़ा दम्भ को समझ लेते हैं, दम्भ क्या है? दम्भ क्या है? अगर दम्भ को देखा जाए तो दम्भ का मतलब होता है आडंबर करना, हाइपोक्रेसी, कि जो आप है नहीं वो अपने आप को दिखाना। अब हूं मैं कनिष्ठ अधिकारी लेकिन मैं अपने आप को प्रेषित कर रहा हूं कि मैं उत्तम अधिकारी हो गया, हूं मैं मध्यम अधिकारी लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं उत्तम अधिकारी हो गया, हूं मैं विषय वासनाओं से ग्रसित व्यक्ति लेकिन दिखा रहा हूं कि मैं मुक्त हो गया। तो ये दिखाना, जो हम है नहीं वो दिखाने लगे तो उसको दम्भ कहते हैं। तो सबसे पहले भक्ति का सोपान है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा मन को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनमें प्रथम सोपान यही है कि सदा दम्भम हित्वा। जब तक साधक ने दम्भ त्याग नहीं किया तब तक वो भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भक्ति आत्मविश्लेषण का विषय है। इसलिए तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मना गति विमृश्य, कि आप अपने मन की, अपनी बुद्धि की, या फिर आपका जो आत्मा है आपकी, यानी हमें जो मैं हम आत्मा हैं उसकी क्या गति हो रही है, वो अधोगति में जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, हमारी चेतना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये आप देखते रहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप दम्भ करेंगे, आप दिखावे में जाएंगे कि हाँ मैं तो कोई विशेष भक्त हूँ, मैं उत्तम अधिकारी हो गया हूँ, हूँ नहीं जबकि, तो फिर आपकी बुद्धि
भगवान में ना लगकर उस आडंबर को संरक्षित करने में लग जाएगी। क्या रे, इतने लोग मुझे प्रणाम करते हैं, अगर मैं इस तरीके से नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, तो ये नहीं। अगर हमें श्री युगल चरणारविंद की उपासना कर रही है करनी है या उनको प्राप्त करना है तो हमें दम्भ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मन एक ही जगह लग सकता है। जैसे ब्रज गोपिकाएं कहते हैं कि उद्धव मन न भय दस बीस, एक हतो गौ साम संग। तो मतलब दस बीस मन नहीं है, एक ही मन है। तो या तो आप उनको दम्भ में लगा सकते हो, दम्भ अर्थात अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने में। दम्भ क्यों करता है व्यक्ति, जो नहीं है वो क्यों दिखाना चाहता है, इससे उसको सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलने से क्या होगा, कुछ अर्थ की प्राप्ति होगी, कुछ सम्मान प्राप्त हो जाएगा, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो इंद्रिय तृप्ति हम कर रहे हैं वो थोड़ी आसानी से हो जाएगी। अगर हम दिखाएंगे कि हम मौनी बाबा हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, तो हो सकता है कि हमें जो प्रणाम की राशि है उसमें कुछ वृद्धि हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। तो दम इसलिए किया जाता है, दम वास्तव में दम किया जाता है तो विषय इंद्रिय और इंद्रिय सुख भोग की उन्नति करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए ही व्यक्ति दम्भ का आश्रय लेता है। तो इसलिए सर्वप्रथम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हे मेरे मन, अये स्वांत भ्राता, बड़ा अच्छा संबोधन है कि हे मेरे अंदर के मित्र। क्योंकि आत्मा का जो सर्वप्रथम बाह अभिनिवेश होता है वो मन के द्वारा ही होता है। क्योंकि आत्मा क्या करती है, संकल्प विकल्प, कोई वस्तु देखी हमने उसमें इच्छा होती है, या तो हम इसका भोग करें या इसका त्याग करें। तो मन का यही कार्य होता है कि संकल्प विकल्प, या तो हम उसका भोग करेंगे या उसको त्याग देंगे। इसीलिए फिर आगे वाले श्लोक में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है समझ गए, मन समझ गया कि मुझे गुरु में, गोष्ठ में, अर्थात ब्रज वृंदावन में, गोष्ठालेसु अर्थात ब्रज जनों में, वैष्णवों में, ब्राह्मणों में, अपने मंत्र में जो ब्राह्मण दीक्षा के उपरांत गायत्री मंत्र प्राप्त होता है उसमें, श्री हरिनाम में और श्री राधा कृष्ण में, इसमें मुझे लगना है। ठीक है, मन को समझ में आ गया। तो मन फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है, उस दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये कुछ उत्तर दिए हैं। फिर से मानो मन प्रश्न कर रहा है आत्मा से कि मैं, अच्छा दम्भ त्याग करके, अगर मैंने दम्भ त्याग दिया तो फिर मैं जीवन निर्वाह कैसे करूंगा, अब तो मैं तुम्हें आश्रित हो गया हूं, अब मैं भगवान के आश्रित हो गया हूं, तो अगर मैं एक महान भक्त नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे भरण पोषण के लिए कैसे दान दक्षिणा देंगे, ऐसा मन कह रहा है, तो मैं दम्भ का कैसे त्याग करूं। दूसरा प्रश्न मन पूछ रहा है कि अच्छा अभी हम गौड़ी संप्रदाय में हैं, तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना करें या महाप्रभु की उपासना करें। मन को, क्योंकि अभी तो बात हुई ना कि मन दो जगह केंद्रित नहीं हो सकता, मन एक ही जगह केंद्रित होगा, तो अब एक जगह केंद्रित तो राधा कृष्ण या फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु या गौड़ पार्षद, किस पे केंद्रित करें। तीसरा, आपने बोला भाई गुरु पे भी ध्यान दो, अभी सबसे पहले गुरु की ही बात की, गुरु गोष्ठालेसु, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेसु, तो गुरु पे भी ध्यान लगो। तो मतलब आपने तीन विषय बता दिए कम से कम मुझे, गुरु, श्रीमन महाप्रभु या राधा कृष्ण, और तीसरा जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें दम नहीं करना है, तुम्हें कृष्ण चरणारविंद प्राप्ति के लिए ही अपना जैसा आप हो वैसा दिखाइए। तो इसके लिए फिर उन्होंने दूसरा श्लोक उद्धृत किया, ना धर्मम ना धर्मम श्रुतिगणा निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्णा प्रचुर परिचरयामि हतनु सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम
मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्रम ननु मनः। तो फिर से मन को आदेश दे रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम ना धर्मम ना अधर्मम श्रुति गणा निरुक्तम कुरु। ना तो हे मन, लोग वास्तव में वेद धर्म या फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका अनुशीलन क्यों करते हैं? धर्म का अनुशीलन क्यों करते हैं? कई देवी देवताओं की उपासना करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो कई बार धर्म से अर्थ की कामना के लिए सारी चीज़ें करते, क्योंकि अगर हमें अर्थ नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे अपना विषय भोग कैसे करेंगे, काम में कैसे जाएंगे? धर्म अर्थ काम, तो इन त्रिवर्ग को जो तीन है, ये तीन सोपान, इसकी पूर्ति के लिए ही ज़्यादातर लोग धर्म का अनुशीलन करते हैं। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वास्तव में ये नहीं है कि धर्म को त्यागना है, वास्तव में ये है बात कि जो राधा कृष्ण युगल उपासना है उसमें ही हमें रत रहना है। कि अब सोमवार आ गया तो सोमवार के जो तथाकथित देवता हैं उनकी उपासना करने लगे, शनिवार आया तो उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके जो देवता हैं उनकी उपासना करने लगे, कोई अमुक तिथि आई तो उनकी उपासना करने लगे, नहीं। तो इस चीज़ों, इन अनेक अनेक चीज़ों का निषेध है। यहाँ पे एक निरंतरता, अजस्रम, अजस्रम शब्द यहाँ पे आया है, मतलब निरंतर आपको आपका मन लगा रहना चाहिए किसमें, आपके एक स्वरूप में। तो उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है कि ना धर्मम ना अधर्मम, ना तो धर्म में विचार रखूँगा ना अधर्म में। जैसे कई बार जब कार्तिक व्रत प्रारंभ होता है तो भक्त लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इस पे ज़्यादा विचार रहता है कि क्या खाना, लेकिन हमें इस पे विचार नहीं रखना है। हमारा मुख्य विचार होना चाहिए कि कितनी संख्या में नाम जप को हम और अधिक कर सकें, कितना और अधिक भागवतम का पठन पाठन कर सकें, और कितनी अधिक वैष्णव सेवा कर सकें, कितनी अधिक अर्चा विग्रह की सेवा हम बढ़ा सकें, तो ये विचार होना चाहिए। विधि निषेध पे ज़्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए विचार कि ये करें या वो करें। तो इसलिए यहाँ पर कहा ना धर्मम ना धर्मम, श्रुति गणा निरुक्तम किल करूँ, तो इनको मुझे नहीं करना है। हे मन, तुमको धर्म और अधर्म इन पे ज़्यादा विचार नहीं रखना है। अच्छा, फिर तुम मन कहे क्या करना है, तो कह रहे हैं कि व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यायाम यह तनु, कि जो तुमने ये शरीर धारण कर रखा है, इस शरीर से ही ब्रज में रहते हुए, जो ब्रज में रह रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं रह रहा है तो मन से ब्रज में रहे। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि मन को ही लगाना है, बात यह हो रही है। तो ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याया, तो परिचर्या करे, आराधना करे, अर्चना करे, किसकी करे, राधा कृष्ण की। फिर जो उन्होंने प्रश्न पूछा था मन ने कि मैं राधा कृष्ण को देखूं या सची नंदन को देखूं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे। तो वास्तव में हम जानते हैं सिद्धांत को अच्छी तरीके से कि जो राधा कृष्ण हैं वही जब एक होकर आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जब कृष्ण ही अवतार लेते हैं राधा भाव को आस्वादन करने के लिए, महाभाव का आस्वादन करने के लिए, तो वो श्रीमती राधा रानी की कांति और उनके भाव को आत्मसात करके, अनुशीलन करके, उसमें ही उस भाव को लेकर और उस कांति को लेकर इस धरा पर आते हैं। इसलिए हैं वो कृष्ण वस्तुतः। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे पीतल होता है कि दो धातुओं को मिश्रित करने के बाद कि तांबा इतनी मात्रा में और जिंक इतनी मात्रा में मिला दिया जाए तो एक नई धातु मिल जाती है, एक मिश्रित धातु जो एक अलग ही कुछ होती है, ना तो वो पुरानी धातुओं से कुछ अलग हो जाती है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन जो भाव और कांति है वो श्रीमती राधा रानी की है। इसलिए कृष्ण इतने उदार नहीं है, क्योंकि जैसे भागवतम में भी कहते हैं भगवान कि भक्ति ददा मुक्ति ददाति करहचित न तो भक्ति योगा, कि मुक्ति तो मैं आसानी से दे देता हूँ, लेकिन भक्ति योग देने में मैं थोड़ा सा, क्योंकि भगवान अपने आप को दे देते ना उसमें, व्यक्ति कुछ भी कर लेगा लेकिन अपने आप को नहीं बेचेगा।
तो इसलिए भगवान अपने आप को देने में इतना विलंब करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी अति दयालु है, तो इसलिए उस भाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु उस भाव में आए। अस्तु, तो बात यह है कि हे मन, तुम किसी का भी अनुशीलन करो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की वाणी का या राधा कृष्ण की वाणी का या उनके उपदेशों का, दोनों एक ही हैं। तुम किसी का भी करो, कोई इसमें भेद नहीं है। मतलब जो द्वंद्व है, जैसे हमारे जो मूल श्लोक है कि द्वते ध्रुवार्थ विश्रम्भ त्यज, कि द्वैत वास्तव में जो द्वैत है उसको हमें त्यागना है। द्वैत क्या है? जो भौतिक संसार है द्वैत है। इसमें हमेशा ही व्यक्ति के सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं इसको करूं या ना करूं। भक्ति में ऐसा कभी नहीं होता। भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, हमेशा एक तानता रहती है उसमें, वो कभी इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे युगल उपासक ही हैं यार, महाप्रभु मेरे उपासक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। और क्या गुरु क्या है, तो फिर गुरु की बात उन्होंने कर दी कि गुरु ब्रह्म मुकुंद प्रेष्ठत्वे। गुरु कौन है? श्री मुकुंद के, श्री राधा कृष्ण के ही प्रेष्ठ अर्थात एक प्रिय परिकर हैं। अर्थात तुम उनका भी अगर ध्यान करोगे तो वो एक इस प्रकार के लेंस हैं, जैसे एक लेंस होता है, अगर पूरे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, अगर हम उस लेंस को रखें तो पूरा का प्रकाश क्या होता है, एक जगह केंद्रित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम श्री गुरु रूपी लेंस से जब शिष्य क्या करता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता है, तो जितना भी वेद वेदांग है वो केंद्रित होकर गुरु के माध्यम से उस शिष्य को प्राप्त होता है, और शिष्य फिर उसमें उसकी जो भेद बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है कि ये करूं कि ये करूं, क्योंकि गुरु ने बता दिया कि अब इस पर केंद्रित करना है। तो गुरु का काम क्या है, एक लेंस की तरह फोकस कर देना कि जो बुद्धि बटी हुई है वो आपकी बुद्धि बटी नहीं रहेगी। तो जब व्यक्ति गुरु पर ध्यान करेगा तो गुरु एकदम पारदर्शी होते हैं, गुरु को देखने से ही हमें राधा कृष्ण की अनुभूति होनी चाहिए, श्याम सुंदर की अनुभूति होनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों की अनुभूति होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति गुरु कहलाएगा। क्योंकि यहां कहा गया है कि गुरु क्या है, मुकुंद प्रेष्ठत्वे, तो मुकुंद के बड़े प्रिय पारकर हैं। तो फिर बोल रहे हैं तो उनका भी क्या कर, स्मर, इनका तुम स्मरण करो। कैसे करो, एक दिन करो, आधा दिन करो, एक मिनट करो, अजस्रम, निरंतर स्मरण करो। हमारी जो शैली है वो कोई एक घंटे दो घंटे या पांच बार वाला काम नहीं है, निरंतर वाले है, कीर्तने सदा हरि। तो ये जो शैली है इसको बोल रहे हैं कि मन, तुम्हें इस तरीके से राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को एक मानते हुए, श्री गुरु और श्री भगवत तत्व में कोई अंतर नहीं मानना है, अपितु उन गुरु को क्या मानना है, कृपा सिंधु। जैसे गुरु की उपमा दी जाती है, जैसे श्रीमन महा अपने श्री प्रभुपाद का जो नाम है उसमें कृष्ण कृपा सिंधु लगाया गया एक विशेषण। तो गुरु को कृपा सिंधु क्यों कहा जाता है? कृपा सिंधु कहने का तात्पर्य है कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन उन भगवान की ही जो कृपा है, जो भगवान जीव पर कृपा करना चाहते हैं, उस कृपा के सिंधु बनकर भगवान स्वयं इस बहुधरा पर अवतरित हुए हैं। तो उनमें कृपा की मात्रा अपार है। जैसे कोई गुरु से बोले कि अच्छा आप भगवान की ही शक्ति से ओतप्रोत हैं, तो आप अपने भगवान कई अवतार ले सकते हैं, एक साथ कई रूप दिखा सकते हो, तो आप भी दिखाइए, तो नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ये कुतार के खो जाएंगे लोग। वास्तव में जो गुरु हैं वो क्या है, कृपा सिंधु के अवतार हैं। उनमें जो शक्ति आवश्यक है भगवान की, वो कृपा की शक्ति है। वो किसी भी जीव को, कितना ही अधम जीव हो, लेकिन वो उस पर पूर्ण कृपा कर सकते हैं और वो जीव तुरंत उद्धार हो सकता है उसका। हमने देखा है स्वयं, जब श्रील प्रभुपाद विदेश में गमन करे तो इतने पतित जीव के उन्होंने कोई एक ऐसा नियम है जो नहीं तोड़ते, तो ऐसा नहीं है कोई भी, सारे नियम को यशस्त्री संध्यम सुबह से लेके दोपहर शाम, तीनों नियम चारों नियम सभी उनके नियम टूटते जाते थे जो हैं, है ना। तो लेकिन ऐसे परम वैष्णवों की, ऐसे कृपा सिंधुओं की ऐसी कृपा रही
कि उन्होंने एक बार उनका आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्त करके जीवन में फिर उनकी तरफ कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, निरंतर भक्ति के अनुशीलन में लगे रहे और उनमें इतना उत्साह है कि जो एक आदेश श्रील प्रभुपाद के द्वारा उनको दिया गया वो अभी भी अनुशीलन कर रहे हैं। अगर उनको कहा गया कि आप किताबें वितरण करिए तो भले वो वयोवृद्ध हो गए हैं, उनमें शारीरिक समर्थता इतनी नहीं है, फिर भी वो यथा संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ये होती है गुरु की कृपा कि गुरु ने अगर भक्ति में जीव को लगा दिया तो एकदम जीव लगा हुआ है, उसमें पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है। तो ये है गुरु की कृपा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु वास्तव में क्या है, एक लेंस की तरह है कि जो फोकस कर देते हैं, जो जीव का मन यहाँ वहाँ केंद्रित नहीं है, भगवान पर केंद्रित नहीं है, यहाँ वहाँ फैला हुआ है, वो एक तरफ हो जाएगा, द्वंद्व में नहीं रहेगा। तो जो हमारा जो मूल श्लोक है कि द्वैते दुर्वार्थ विश्रम्भम त्यज, वास्तव में जीव जब तक द्वंद्व को समाप्त नहीं कर देता तब तक वो सुखदा भक्ति के अनुशूलन में नहीं जाता है। क्योंकि हमें जीव को तीनों चीज़ों को समझना आवश्यक है, क्योंकि एक है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भगवान है, जीव है और माया है, इन तीन चीज के अलावा चौथी कोई वस्तु नहीं है। भगवान परम कृपालु है। अब कोई बोल सकता है कि भगवान अगर कृपालु है तो जीव के स्वभाव को क्यों नहीं बदल देते, जीव अणु है इसलिए माया उसको बार बार दबोच लेती है, पकड़ लेती है। माया क्यों जीव को पकड़ लेती है, क्योंकि माया जीव अणु है और माया जीव से बड़ी है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, पूरे जगत पर है, तो इसलिए जीव को पकड़ लेती है। तो कोई प्रश्न करे तो भगवान जीव को ही इतना समर्थशाली बना दें कि उसको अणु से बिहू बना दें, तो नहीं। भगवान का एक ऐसा चरित्र है या बोल सकते हैं ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उस विषय वस्तु की जो प्रकृति है उससे छेड़खानी नहीं करते। जैसे माया का स्वभाव है कि आवरण आक्षेपिका, कि जीव को वो आवरण करेगी और उसमें अध्यादेश करा देगी कि तुम शरीर हो। माया के दो कार्य हैं, सबसे पहले हम हैं आत्मा, लेकिन हमें क्या किया, आवरणात्मिका, हमें इस आवरण में पटक दिया, इस देह में पटक दिया, सबसे पहला काम उसका हो गया आवरणात्मिका, तो आवरण दे दिया। दूसरा काम क्या है, विक्षेपिका, विक्षेप कराया। क्या विक्षेप कराया, पहले तो व्यक्ति को जेल में डाल दिया और फिर उसको अनुभूति कराने लगे, नहीं नहीं तुम जेल में ही रहते हो, यही तुम्हारा घर है, यही शरीर, जेल ही तुम हो। तो हम भले ही इतना ज्ञान हमने सुन रखा है फिर भी हम शरीर के स्तर से ऊपर नहीं आते, ये माया का प्रभाव है। तो भगवान माया के प्रभाव को भी नहीं बदलते कि नहीं नहीं, क्योंकि माया क्या है, माया को ऐसा समझ सकते हैं जैसे घर में एक पुत्र है, उसके शिक्षार्थ हमने एक ट्यूशन वाली कोई शिक्षिका रखी हुई है, वो उसको आती है शिक्षा देती है, कभी कभी वो उसका कान भी आंट देती है, कभी एक आध चाटा भी लगा देती है, माता पिता को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उस बालक की भलाई के लिए उस शिक्षिका से कभी कुछ नहीं कहते। तो ये एकदम ठीक उदाहरण है इसके लिए। तो माया जीवों को एक शिक्षा देने के लिए ही यहाँ पर है, तो भगवान उस माया से कुछ नहीं कहते, करते क्या है, उस जीव के लिए गुरु भेज देते हैं कि हाँ मेरा ही जीव, मम अंश जीव भूतो सनातन, कि मेरा ही अंश है, सनातन है, तो इसको मुझे उबारना है। तो कैसे उबारेंगे, गुरु के माध्यम से, गुरु भेज देते हैं, गुरु उस जीव के ऊपर कृपा करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और उस जीव को उस माया समुद्र से निकाल कर भगवान के चरणारविंद में उसको पुनः भेज देते हैं। तो ये होता है गुरु का कार्य। तो भगवान वास्तव में भगवान ही कृपा कर रहे हैं, लेकिन भगवान किसके माध्यम से कृपा कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से। अगर भगवान डायरेक्ट ही अगर जीव को स्पर्श कर लेंगे तो तुरंत ही जीव की मुक्ति हो जाएगी। जैसे भगवान जब ध्रुव महाराज के सामने उपस्थित हुए थे तो उन्होंने उनके अंदर इतना आह्लाद, इतनी वात्सल्यता उमड़ी कि वो ध्रुव को एकदम तुरंत ही गले लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, कि उनको एकदम स्मरण आया कि ध्रुव ने मुझे उपासना क्यों की थी, भौतिक कामना के लिए, कि अगर मैं अभी ध्रुव को गले लगा लूँगा तो ध्रुव की तुरंत मुक्ति हो जाएगी, तुरंत वो मेरे धाम में आ जाएगा, वैकुंठ धाम में।
तो लोग क्या समझेंगे कि भक्ति करने से वैकुंठ प्राप्ति तो होती है, लेकिन जो भौतिक आकांक्षाएं हैं, धन संपदा, जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मेरे जो पितामह हैं श्री ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा मैं राज्य प्राप्त करूं, तो ये उनकी आकांक्षा थी। अगर इस आकांक्षा का भगवान पूर्ण नहीं करते, इसको नहीं उसको वरदान के रूप में देते, तो लोग क्या समझते कि भक्ति करने से भगवत प्राप्ति तो होती है, लेकिन ये जो भौतिक आकांक्षाएं ये पूरी नहीं होती, तो फिर भगवान की जो वाणी है द्वितीय स्कंद में वो गलत हो जाती, क्या कामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो अकाम हो या सर्व काम हो, आपको भगवान की ही उपासना कर रही, तो इसलिए यहां पर जो गुरु तत्व है उसको ठीक रूप से समझ लेना चाहिए कि गुरु वास्तव में एक पारदर्शी लेंस के समय है, तरह है कि जो भगवान को ही दिखाते हैं। इसलिए यहां पर कहा है कि तस्मात स्वस्थेन मनसा आत्मनः गतिम विमृश्य, स्वस्थ मन से, जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए युक्ताहार विहारस्य की शैली हमें श्रीमद् भगवद गीता में सिखाई गई है कि आप परिमित मात्रा में अगर रेस्ट लेंगे, परिमित मात्रा में आहार लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ज़्यादा खाएंगे तो भी दिक्कत, कम खाएंगे तो भी दिक्कत, ज़्यादा सोएंगे तो भी दिक्कत, कम सोएंगे तो भी दिक्कत, ज़्यादा विहार करेंगे तो भी दिक्कत, कम विहार करेंगे तो भी दिक्कत। तो इस शरीर को एक सीमित मात्रा में, एक जो आयुर्वेद जो योग शास्त्र है इसके आधार पर रखते हुए ही भक्ति में हमें लगाना होता है, क्योंकि एकदम से जब तक व्यक्ति इस शरीर बंधन में है तो शरीर की मांग को यथंचित जितना, जितने से शरीर और आत्मा टिका रहे उतना पूरा करना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वस्थेन, ये स्वस्थ शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ मन से चिंतन नहीं करेंगे तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बोल रहे हैं आविशा उपशमम आविशा शांतिपूर्ण स्थिति ग्रहण करो। तो ये वास्तव में ध्येय है कि जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन को एक तान करके उस पर विश्लेषणात्मक बुद्धि करके देखता रहता है कि अच्छा मेरा मन भटक नहीं रहा है, अब केवल भगवान में लगा हुआ है, गुरु में लगा हुआ है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के आदेशों में लगा हुआ है, तब व्यक्ति क्या होता है भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो इसीलिए अंगिरा ऋषि और नारद मुनि के द्वारा यहाँ पे ये उपसंहार प्रस्तुत किया गया। इसलिए तस्मात शब्द, कहीं पे भी आप स्तुतियाँ देखेंगे या फिर कोई उपदेश देखेंगे तो तस्मात शब्द कहलाता है कि अब आखिरी जो चर्म वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, उसका निरूपण किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तस्मात, तो इसलिए अगर आज का पूरा हम निष्कर्ष निकालें तो ये है कि स्वस्थ मन से व्यक्ति को द्वंद रहित होते हुए, द्वंद रहित मतलब इस भौतिक सृष्टि में मन ना जाते हुए क्या करना चाहिए, आविशम उपशमम, मतलब सारी चीज शांतिपूर्ण स्थिति को हमें प्राप्त करना चाहिए और द्वंद की स्थिति को त्याग देना चाहिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगर किसी का प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।